ओम शांति। आज हम ब्रह्मा बाबा की बड़ी दिल फ्राक दिल की बातें सुना रहे हैं। वैसे ब्रह्मा बाबा अपने लौकिक जीवन में भी बहुत बड़ी दिल वाले थे। कहते हैं जब बाबा छोटे उम्र में लेखराज नाम से थे, तब कभी अपने चाचा जी के किराने की दुकान में अगर बैठते थे, अगर कोई ग्राहक गरीब होता था, बाबा उसे ज्यादा सामान दे देते थे। और बाबा अपने ज्वेलरी की दुकान में भी कोई अगर कीमती हीरा खरीद करते थे, बाबा उन्हें एक एक्स्ट्रा हीरा देकर खुश करते थे। इस प्रकार हर ग्राहक को कुछ ना कुछ बाबा एक्स्ट्रा देकर खुश करते थे। और बाबा अपने भक्ति काल में भी अपने गुरुओं को या गरीबों को बाबा ने खूब दान पुण्य किया। और बाबा की बड़ी दिल की एक खास बात जो ब्रिजेंद्र दादी ने अपना अनुभव में सुनाया, जब लौकिक में बाबा के बेटे के साथ उनकी शादी हुई थी, उस समय राज परिवार के लोगों को एक साथ में पार्टी में नहीं बुलाया। हालांकि बाबा का ज्यादा संपर्क राजा महाराजाओं के साथ ही था, लेकिन बाबा ने एक्स्ट्रा करके राजा महाराजा उनके परिवार के लोगों को बाबा ने एक्स्ट्रा बुलाकर पार्टी दी। और उस पार्टी के समय बाबा ने सोने की रिंग, हीरे के बटन वाले एक बॉक्स भरकर ब्रिजेंद्र दादी के पास दिया। और बाबा ने कहा कि जो भी आपसे मिलने के लिए आए, हर एक को आपने पसंद के अनुसार एक एक रिंग पहनाए। आप ये सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी दिल की बात है। बाबा ने इस प्रकार की भावना अपने लौकिक में भी थे। वैसे बाबा जब शिव बाबा के बने और बाबा के पास जो भी प्रॉपर्टी थे, वो तो बाबा ने एक ढंग से शिव बाबा को अर्पण कर दिया। और दूसरा और एक अनुभव जो आमिर चांद भाई जी ने सुनाया, एक बार वे बाबा से मिलने के लिए आए थे और बाबा उनसे पर्सनल मिल रहे थे। बाबा पर्सनल मिलकर उनको डायरेक्शन दे रहे थे। बाबा कह रहे थे कि बच्चे, चंडीगढ़ शहर बहुत अच्छा स्थान है, वहां शहर के बीच में एक बहुत बड़ा स्थान लो और वहां एक बहुत बड़ा सेंटर खोलो, वहां शहर के बड़े बड़े लोगों को बुलाओ, वहां बहुत अच्छी सेवा होगी। इस प्रकार से बाबा जब उनको डायरेक्शन दे रहे थे, सुन सुन कर आमिर चांद भाई रो रहे थे। उसके पास उतना पैसा नहीं है, शहर के बीच में बहुत बड़ा स्थान ले, बहुत बड़ा सेंटर खुले, वो तो बहुत लाखों का अंदाज चाहिए, उनके पास तो कुछ हजार जुटाना भी मुश्किल है। तो सोच सोच कर वो रो रहे थे। तो बाबा उनको देखकर कह रहे थे कि बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो, बाबा बैठे हैं, तुम चिंता नहीं करो, तुम जाकर वो ढूंढो, वो काम करो। तो ये अनुभव आमिर चांद भाई ने अपना सेंटर में जाकर जब सुनाए, तो सभी ने सहयोग दिया और वो काम हो भी गया। इस प्रकार से एक नहीं, हजारों का यह अनुभव होगा कि हमारे हाथ में 5 लाख नहीं होता है, लेकिन 50 लाख खर्चा करके बड़ी सेवा करने के लिए उतर जाते हैं, लेकिन वो सेवा हो भी जाते हैं, सबसे वो मदद मिल भी जाते हैं। और इस प्रकार से बाबा के हम मूल्यों से कई बातें सुनते हैं। बड़े दिल की ही बातें बाबा करते हैं। बाबा हमेशा मूल्य में कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े स्थान लो, बड़ा सेंटर खुलो, बड़ा बड़ा चित्र लगाओ, बड़े बड़े अक्षर हो, ताकि लोगों को दूर से ही दिखाई दे। और बाबा हमेशा ये कहते हैं कि अगर हम बड़े दिल रखेंगे तो हमारी हुंडी भर जाएगी, अगर हम कोई भी सेवा में अगर छोटी दिल रखेंगे, मनहूस करेंगे, कंजूस करेंगे, तो हमारी सेवा में कोई ना कोई कमी होगी। इसलिए बाबा की इन बातों को हम ध्यान में रखें और हमारे अंदर में भी बड़ी दिल, बड़ी भावना जागृत करें। ओम शांति।